हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और रेयर कार चलाने वाले हैं मैड आउट 2 के अंदर। और ये जो कार है ये इस गेम की वन ऑफ द रेयरेस्ट कार है जो कि गेम में बहुत ज़्यादा रेयर है, ये देखने तक को नहीं मिलती है गेम में। और इस गेम को खेलते हुए मुझे शायद एक दो महीने हो गए होंगे, बट ये कार जो है ये मुझे आज इस गेम में देखने को मिली है, वो भी मेरे दोस्त के पास ही थी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और इस कार को देखते हैं। ये जो कार है ये है रोल्स रॉयस फैंटम, और ये देखने में जितनी प्यारी दिख रही है ये कीमत में उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। गेम में आई गेस मैंने आज तक ये कार मैंने देखी नहीं है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर ये कार आपके पास है तो आपको और किसी कार की ज़रूरत नहीं। इसके आगे मैकलेरन, सुप्रा, जी वैगन सारी की सारी कार्स फैन है, क्योंकि ये जो देख दिखने में जैसी लगती है ना ये उतनी ज़्यादा रेयर है। आपको गेम में बंदों के पास मैकलेरन मिल जाएगी, जी वैगन मिल जाएगी और बहुत सारी मतलब कार्स मिल जाएंगी, जैसे हमारी रेंज रोवर वेलोर हो गई वो भी मिल जाएगी, लेकिन रोल्स रॉयस मिलना वन ऑफ द रेयरेस्ट पॉइंट पे हो सकता है किसी के पास हो, बाकी गेम में मिलती नहीं है, देखने तक को नहीं मिलती है गेम में। और मतलब इस कार को देखना ही भाई इतना ज़्यादा रेयर होता है। आज इसको मैं चला रहा हूँ मतलब कितना ज़्यादा रेयर फील आ रहा है एकदम कि इस कार को चलाने को मिल रहा है आज। ये मैंने मतलब इस टाइम मैं 4 वीडियो पर काम कर रहा था, मैं आपको उनके बारे में बता नहीं सकता क्योंकि वो आने वाली हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वीडियोस हैं, उनमें भी बहुत अच्छी अच्छी कार्स बाय करी हैं। बट ये जो कार है ये वीडियो में मैं उन सबको छोड़ कर एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि ये भाई इस कार को देखकर इतनी एक्साइटमेंट हुई है ना कि मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी का वीडियो बनाते हैं। और मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपके बहुत ज़्यादा दोस्त होंगे, पुराने भी होंगे, बहुत सारे दोस्त आपके बहुत ज़्यादा पुराने होंगे, बहुत टाइम से ये मैड आउट 2 खेल रहे होंगे, उनके पास 70 कार्स, 80 और 90 कार्स होंगी, बट उनके पास रोल्स रॉयस नहीं होगी। और ये गारंटी से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने देखा है, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके पास भाई 90 कार 70 कार, मैंने मतलब ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इससे पहले मैं दोस्तों के साथ खेल रहा था, उनके पास 74 कार्स हैं, बहुत सारी हैं, उनके पास उरुस है, मैकलेरन है, बहुत सारी हैं, बट रोल्स रॉयस ये कार भाई उन किसी के पास नहीं है। क्योंकि ये गेम है भाई, एक तो ये आती बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा कम आती है ये, और आती है तो क्रेट्स में आती है, मनी में आती नहीं है। इनमें आप आगे देख सकते हो इंटीरियर बहुत ज़्यादा क्लासिक और पुराना विंटेज इंटीरियर है, लेकिन इस इंटीरियर को देखने के लिए भी भाई नसीब ही लगता है समझ लो इस गेम में। और आपने सुना होगा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इस कार को देखने के लिए भाई नसीब लगता है, मतलब बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है, और ये मतलब ऐसी कार नहीं है भाई, सच में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा रेयर कार है। मैंने अभी बोला कि मुझे 2 महीने से ज़्यादा हो गए खेलते हुए, और मेरी बात छोड़ भी दो, मेरे और जो मुझसे भी ज़्यादा पहले के प्लेयर्स हैं उनसे भी बात करी, उन्होंने भी बताया कि भाई गेम में आज तक ये कार दिखी नहीं, क्योंकि जिसके पास होती है वो भाई बहुत ज़्यादा रिच होता है, और ये ऐसी कार नहीं मिल जाती कि आप ग्राइंड करते करते ले लोगे, इसके लिए आपको गेम में पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, गेम में ये कार ऐसे नहीं मिलती। और जब आती है इंपोर्ट में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है, जैसे 1000 डायमंड पर स्पिन या 1500 डायमंड पर स्पिन, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कार आती है। और आप भी जानते हो कि ऐसी ओपन वर्ल्ड गेम में सारे लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और करते हैं तो बहुत कम करते हैं, जैसे उनको ऐड वगैरह बंद करना है। तो मैड आउट 2 का रूल है या मतलब ऑफ़र बोल सकते हैं कि अगर आप कोई भी मनी का ऑफ़र ख़रीदोगे तो वो आपके ऐड को फॉरएवर बंद कर देंगे। तो अगर कोई भी लेता है तो वो मैक्सिमम मतलब 100 रुपये का 200 रुपये का 300 रुपये का ले लेता है, उसमें आप उसको डायमंड वगैरह मिल जाते हैं। बट ये जो रेयर होते हैं ना, इनमें अगर आपको एक कार चाहिए जो आती हैं तो ये कम से कम 5000 रुपये की आती हैं, 5000 से ऊपर भी जा सकती हैं। और भाई 5000 रुपये एक कार पर मतलब इजीली कोई इतना इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको उस कार को लेने से पैसे नहीं मिल रहे हैं, और इसी वजह से ये कार इतनी ज़्यादा रेयर है, क्योंकि ऐसे मिलती नहीं है पहली बात, और कोई लेता भी नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कार है। 5000 रुपये इस पर कोई इन्वेस्ट करेगा तो भाई वो कहाँ से लाएगा, मतलब पेरेंट्स वैसे भी नहीं देने वाले गेम को, गेम में इतना पैसा लगाने के लिए। जो और गेम में जो इस कार को देख लेता है
तो इसके पीछे मतलब पड़ जाता है कि भाई इसको बैठने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, बहुत ज़्यादा रेयर है। और जब मैं ये वीडियो बना चुका था तो मैंने रिएक्शन भी लिए थे, भाई इस कार को जिस घर के बाहर खड़े करो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जोन में खड़े कर दो, या कहीं पर जहाँ बहुत ज़्यादा बंदे हो तो साइड में मैकलैरन को खड़ी कर दो, जी वैगन को खड़ी कर दो, रेंज रोवर वेलोर को खड़ी कर दो। लेकिन इसमें जो भाई मतलब इसके जो रिएक्शंस आते हैं ना, वो उन सब कार को फेल कर देंगे। मैंने देखा है करके भाई, वो मैकलैरन वगैरह को कोई देखता भी नहीं है जब ये आती है, रेंज रोवर वो मतलब रेंज रोवर वेलोर को भी कोई नहीं देखता इसके सामने। तो रेयर तो है भाई ये, और उतनी ज़्यादा भाई मतलब इसको बचा के चलना पड़ता है, क्योंकि डेंट वगैरह पड़ जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। और ऐसा नहीं कि ऐसी कार अपग्रेडेड है भाई, इंजन इसका मैक्स अपग्रेडेड है। और ये कार मिल जाए तो मैं बता रहा हूँ, मेरी सारी कार चली भी जाए ना तो मुझे कोई गम नहीं होगा। एक तो स्पीड बहुत अच्छी है, देखो भाई बंदे आते हैं इसको देखने के लिए और उतरते हैं कि बैठने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, इसके लिए भाई बंदे तरसते हैं। जो सुपर कार में बैठे होंगे वो भी इसको देखने और बैठने के लिए आएंगे। अगर ये कार है देख सकते हो, सुपर कार वाले भी रुक रहे हैं इसके सामने, सुपर कार वाले। इतना इजी नहीं होता सुपर कार वाले आपके तरफ देखना, तो छोड़ो वो रुकेंगे ही नहीं, इतनी स्पीड में कार को लेकर भाग जाएंगे कहीं ये बैठ ना जाए। लेकिन ये कार खड़ी होगी ना तो बंदे आएंगे आपके पास, खुद आएंगे, रिक्वेस्ट खुद आएगी आपके पास। और मेन बताऊं तो ये साइज में इतनी बड़ी कार नहीं है, मतलब इससे बड़ी कार्स हैं, हमर हो गई, शायद वेलोर भी इससे बड़ी बड़ी होती होगी, लेकिन ये भाई जो कार है ना, इतनी ज़्यादा भाई क्रेजी कार मैंने नहीं देखी गेम में। और मतलब पहली बार चलाने का मौका मिला इस कार का, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रही इस कार को चलाने की। और इस कार में भाई इतना मतलब अच्छा लगता है चलाने में, क्योंकि बंदे जब देखते हैं ना इस कार को तो आपको मैसेज करते हैं कि भाई बिठा लो, मतलब माइक में बोलते हैं कि भाई एक बार लिफ्ट दे दे, बिठा ले प्लीज़ प्लीज़, इतना बोलेंगे ना आप इसको मतलब भरे सरोवर लेके जाओ। इसमें 200 बंदे 300 बंदे खेलते हो, आप देखो आपकी चैट रुकेगी नहीं अगर आप किसी भी जोन में इसको लॉक करके आपने खड़ा कर दिया और बंदों की भीड़ ना लगी तो, क्योंकि ये गेम में दिखती नहीं है, मैंने आज देखी इस कार को। और सैड बात यह है कि सर्वर में बहुत ज़्यादा कम बंदे थे तो मैं इतना ज़्यादा रिएक्शन ले नहीं सकता। और ये मेरे दोस्त की कार है बट मैं उसका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि अगर नाम बता दूंगा तो भाई रिक्वेस्ट भेज भेज के उससे रिक्वेस्ट कर करके लोग उसको परेशान कर देंगे, तो ये तो मैं नहीं कर सकता। बट हाँ, अब ये कार भाई हमको डेली चलाने को मिल सकती है, क्योंकि भाई दोस्त की कार है तो वो मना नहीं करते हैं दोस्त चलाने के लिए। और मतलब मैंने एक और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव कार खरीदी है, क्योंकि मेरे दोस्त की आईडी मेरे पास भी है और उसके पास भी भाई बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो भाई मतलब पूरी हेल्प करता है। और मैंने उसकी आईडी में भाई कार खरीदी है, तो आपको जल्दी वीडियो मिलने वाली है। बाकी हमने इसको बहुत ज़्यादा चला लिया वीडियो में, अब इसके आखिरी टाइम में इसको फेक कराना है। और बंदे देखो भाई पीछे आ रहा है मैप में, आप देख सकते हो भाई एकदम पास में बंदे आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई ये देखने को नहीं मिलती है, लोगों को भाई लगा रहता है कि ये भाई चलाने में मिल जाए। तो फिलहाल इसको फेंकते हैं, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी इसको पहले फेंक देते हैं हम लोग, उतरना भी है गिरना नहीं है, दोस्त हो गई। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय। Loop mein tune baja ke thoda।